नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अब होगी 7 साल की सजा। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 681। संक्रमितों की संख्या पहुंची 21,000 के पार। अब तक 4,000 से ज्यादा लोग हुए सही। सीएम त्रिवेंद्र ने दिए निर्देश, स्मार्ट सिटी के रुके काम दोबारा शुरू करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। पीएम मोदी के फोन ने 76 साल के मोहनलाल गंज में भर दी उत्साह। हाल जानकर पुराने दिनों को किया याद। आईआईटी प्रोफेसर ने कोरोना डिटेक्शन ऐप की लॉन्च, सिर्फ 3 से 4 सेकंड में कोरोना की पुष्टि। सॉफ्टवेयर बनाने में 1 से 1.5 माह का लगा समय। और स्वास्थ्य केंद्र ने भी लगवाया सैनिटाइजर टनल। अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए लगवाया गया टनल। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गार्ड को दिया गया। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं हल्द्वानी में। कोरोना वायरस संक्रमण के तहत सुशीला तिवारी चिकित्सा को कोविड-19 विशेषज्ञ अस्पताल के रूप में विकसित किया जा चुका है। सुशीला तिवारी अस्पताल में आने वाले रोगियों का इलाज स्थानीय बेस चिकित्सालय में किए जाने की व्यवस्था जिलाधिकारी सविन बंसल ने कर दी है। बेस अस्पताल से अत्यधिक गंभीर मरीजों को जन स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं देने के लिए शहर के 6 निजी चिकित्सालय जिलाधिकारी द्वारा पहले ही अधिग्रहित किए जा चुके हैं। निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए जिलाधिकारी बंसल ने शिविर कार्यालय में समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिग्रहित किए गए सभी 6 चिकित्सालय में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक नोडल अधिकारी के साथ एक चिकित्सा अधिकारी भी रहेंगे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारती राणा को निर्देश दिए कि वे सभी अधिग्रहित निजी चिकित्सालयों में नोडल अधिकारियों की तैनाती का आदेश तत्काल जारी करें। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने कोरोना डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया है। बता दें, प्रोफेसर कमल जैन ने कोरोना वायरस की पहचान के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो महज 3 से 4 सेकंड में ही कोरोना की पहचान बता देगा। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में उन्हें 1 से 1.5 माह का समय लगा है। वही प्रोफेसर कमल जैन का दावा है कि कोरोना टेस्ट करने के लिए व्यक्ति का एक्सरे इस सॉफ्टवेयर में लगाकर ये सॉफ्टवेयर महज 4 सेकंड में कोरोना की पुष्टि कर देगा। यही नहीं, पूरे शरीर में कौन सी जगह इफेक्ट हुई है, इसके उसके बाद कोरोना हुआ या बाद की पूरी जानकारी दी जाएगी। वही आईआईटी प्रोफेसर कमल जैन की माने तो ये सॉफ्टवेयर इस महामारी में बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, कोविड के लिए जांच करने के अलग अलग तरीके हैं। ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे से पता कराया जा सकता है। तो इसके अंदर एक्सरे की इंटरप्रिटेशन को फैसिलिटेट किया गया है। तो इसके अंदर एक जो इमेज है, एक्सरे इमेज है, उसको लोड कर दिया जाता है और ये डीप लर्निंग से एनालाइज करके बताता है कि इसमें कौन सी डिसीज़ है, कोविड है या और कोई डिसीज़ है, उसको एनालाइज करके बताता है। देखिए, एक्सरे के अंदर कुछ टाइम के बाद कोरोना मरीज में कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जिसको डॉक्टर जो उसके लिए जानते हैं इसको, वो पता कर सकते हैं। तो ये उसी ट्रेनिंग करके डॉक्टर का ही काम कर रहा है जो कि बिगर डॉक्टर के बता सकता है और डॉक्टर के लिए भी इसके लिए एडवांटेजेस है। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के चलते लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों को इस महामारी से बचने और सार्वजनिक जगह पर संक्रमण ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन जिले भर में भीड़ भाड़ वाली जगहों को सैनिटाइज करने के लिए छिड़काव करा रहे हैं। बैंकों, एटीएम, व्यापारी प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइज कराया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में फंसे 36 छात्र छात्राओं को पिथौरागढ़ लाया गया है। जांच के बाद जिनमें से 32 बच्चों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है, जबकि हल्द्वानी में क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके 4 छात्रों को होम क्वारंटाइन किया गया है। ये सभी छात्र छात्राएं कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कर रहे थे। सभी छात्र छात्राओं को रोडवेज की बस से पिथौरागढ़ लाया गया, जहाँ सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अब
कोटा से जो बच्चे अभी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के माध्यम से जनपद में प्रवेश किया है, ऐसे कुल 32 बच्चों को हम लोगों ने अभी इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन करने के लिए सूचित किया हुआ है। उनके परिवारजनों से भी वार्ता कर लिया गया है। उनका मेडिकल परीक्षण करने के उपरांत वो अगले 14 दिनों के लिए जो है। सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए भरकस प्रयास कर रही है, लेकिन अन्य प्रदेशों में कोटेदार में आए मजदूर अपने घर जाने को व्याकुल हैं, अपने परिवार से मिलने को बेचैन हो रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि साहब हमें कोरोना से डर नहीं लगता, हमें भूखे मरने से डर लगता है। ये रिपोर्ट देखिए। हमें कोरोना से नहीं डर है, बल्कि हमें भूखे रहने से डर है। हम अपने बच्चों में अपने परिवार में रहेंगे। हाथ जोड़ कर कहते हैं हमको घर भिजवाया जाए, हैं अपने परिवार में चले जाएंगे, आधे पेट भी खा कर जी लेंगे हम। साहब हमें कोरोना से डर नहीं लगता, हमें भूखे मरने से डर लगता है। जब हम भूखे ही मर जाएंगे तो कोरोना होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। हमें सरकार हमारे गांव तक पहुंचा दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि हमें सरकार द्वारा नहीं छोड़ा जाता है तो हम खुद ही अपने गाँव चले जाएंगे, चाहे हमें पुलिस मारे या जेल में डाल दे, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रह सकते। ये दर्द उन मजदूरों का है जो अन्य प्रदेशों से कोटद्वार में रोजी रोटी के लिए काम करने के लिए आए हैं। मजदूर सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। अपनी गुहार लगाने के लिए मजदूर थाने और तहसील के चक्कर काट कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनकी बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। मजदूरों का कहना है कि प्रशासन द्वारा हमें खाना तो उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भर पाता है। हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और हमारे बच्चे घर पर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में हम अब करें तो क्या करें? हमको घर भेजते सरकार, हमारे बच्चे बीवी सब परेशान है, घर पे रो रहे हैं सब, खेत नहीं कटा है, माँ बीमार है, कैसे रहेंगे हम लोग बताइए? ऐसे थोड़ी होता है कोई है। हमको घर भेजवाया जाए, हम हाथ जोड़ कर कहते हैं हमको घर भेजवाया जाए, है अपने परिवार में चले जाएंगे तो आधे पेट भी खा कर जी लेंगे हम, लेकिन हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे यहाँ है। हमको भेजिए, किसी तरह से घर भेजिए हमको। हम लोग यहाँ से घर जाना चाहते हैं, जैसे हर प्रदेश से सरकार व्यवस्था कर रही है उसी तरह से हमारा व्यवस्था किया जाए। हम अपने घर जाएंगे। हमें कोरोना से नहीं डर है, कोरोना से नहीं डर है, बल्कि हमें भूखे रहने से डर है। हम अपने बच्चे में अपने परिवार में रहेंगे। हम 14 तारीख तक इंतजार किया, पहले तो लगा 22 मार्च से, फिर बोले 31 को ख़त्म होगा, फिर 14 को बढ़ाया गया, फिर 30 को बढ़ाया गया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है हमें सरकार से अभी तक कोई भी ऐसी गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है जिसके आधार पर हम अन्य प्रदेशों से काम करने के लिए आए मजदूरों को घर छोड़ने की व्यवस्था करें या उन्हें घर जाने की परमिशन दे दें। कामगार हैं, बड़े ही हैं, मिस्त्री हैं और उनका संबंध मूलतः यूपी के विभिन्न जनपदों से है, तो लेकिन चूंकि सरकार ने भी इस तरह से किसी भी मूवमेंट की अनुमति का कोई निर्देश हमें अभी तक प्राप्त नहीं है, तो लिहाजा वो जहाँ पर हैं उनको वहीं पर रहने की सलाह देते हुए उनके लिए जो बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल करते हुए जो हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से दी जा सकती है वो उनको प्रोवाइड की। एक तरफ सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए भरकस प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी ओर मजदूरों की अपने परिवार से मिलने की बेचैनी भी जायज है। अब देखना होगा कि अपने परिवार से मिलने को बेचैन इन मजदूरों की गुहार कौन सुनता है। कोटद्वार से के न्यूज के लिए गिरीश तिवारी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते गरीब और मजदूर सब परेशान हैं। गरीब और मजदूर के सामने खाने के लाले पड़े हुए हैं। इधर शासन प्रशासन की ओर से सरकारी राशन विक्रेता की दुकान से गरीब मजदूर वर्ग के ये बीपीएल और अत्योदय कार्ड धारकों की फ्री में राशन वितरित करने का व्यवस्था बनाई हुई है, तो वहीं विकासखंड गदरपुर क्षेत्र के शिवपुर गाँव में लोगों को फ्री में चावल तो दिया गया, लेकिन राशन विक्रेताओं के द्वारा कार्ड धारकों के राशन कार्ड में दाल की एंट्री करा देने पर कार्ड धारकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान लोगों का कहना था कि जब हम दाल लेंगे तभी तो राशन कार्ड में एंट्री कराया जाएगा, लेकिन राशन विक्रेताओं के द्वारा राशन कार्ड में दाल की एंट्री की जा रही थी। हमारा भी तो वाली बच्चा है, हम लोग क्या करें? लॉकडाउन तो सबके लिए कर रखा है सरकार ने, मगर हम लोग क्या करें बताओ? सुविधा दे रहा है तो हमें तो नहीं मिल रहा है यहाँ तक। और जैसे कि उन्हें बार बार बुलाया गया लेकिन एक बार भी देखने नहीं आए कि गांव की स्थिति क्या है। उन्हें एक बार आके देखना चाहिए कि गांव में क्या चल रहा है, कोई समस्या देखने नहीं आए वो। और जब हम बुलाए तब भी नहीं आए। आज जब ये घोटाला हुआ है उसके बाद जैसे ही
डिपो वाले ने बोला तो वो तुरंत भागते हुए आ गए। जैसे हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो वो तुरंत बिना जवाब दिए ही चले गए कि अगर आप लोग वीडियो बनाओगे ऐसा करोगे तो हम जवाब नहीं देंगे, ऐसा कहकर वो चले गए। राशन बांटने में वही दाल के पैसों के लिए कहने लगे थे, दाल के पैसे नहीं देंगे, तो मैं वहाँ से उठ के आ गया। फिर दूसरे दिन गया हूँ मैं वहाँ पे कि मैंने कहा भाई आओ अपनी दाल ले लो, राशन फ्री का तो दे दिया, तो दाल कहने लगे नहीं हम जब दूसरा राशन मिलेगा तब लेंगे। नैनीताल की भूमिधार में अनियंत्रित ट्रक 300 फीट गहरी में जा गिरा, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने खाई से बाहर निकालकर 108 की मदद से हल्द्वानी के हाई सेंटर भेजा। बता दें ट्रक वागेश्वर से हल्द्वानी की तरफ जा रहा था, इसी दौरान ट्रक ड्राइवर को भूमिधार के पास झपकी आ गई, जिस वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। एक ट्रक कैंटर गिर गया है, ये सब्जी लेके पहाड़ से खाली करके सब्जी देके आ रहा था, खाली तो हल्द्वानी की तरफ को आ रहा था, अचानक भूमिहार में गिर गया। ऐसी सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंचे हम, तो देखा दोनों घायलों को हमने निकाला, निकालने के बाद उनको हमने 108 के माध्यम से हल्द्वानी भेज दिया। क्षेत्रीय विधायक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार के सतपुली तहसील परिसर में क्षेत्र के जरूरतमंदों को राशन किट और कपड़े से बना फेस कवर वितरित किए। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें, जिससे कोरोना महामारी को हराया जा सके। पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है और गरीब एवं निराश्रित तबकों को भी राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। उनके द्वारा कुल 25 जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किए के साथ और मास्क भी दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य मनीष खंडूरी द्वारा प्रदेश कार्यालय देहरादून में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कोरोना महामारी में देश और प्रदेश भर से जरूरतमंदों की जानकारी एकत्रित करने के साथ ही लॉकडाउन के चलते प्रदेश के बाहर फंसे लोगों तक आवश्यक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से देवभूमि सेवा ऐप लॉन्च किया गया है और साथ ही प्राप्त जानकारी से राज्य सरकार और शासन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। पूरा देश, पूरा विश्व और उत्तराखंड राज्य कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है और इस लड़ाई में निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश में लागू लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर प्रदेश में कुल 61 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 368 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में अभी तक कुल 2001 अभियोगों में 8613 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अभी तक एमबी एक्ट के अंतर्गत कुल 21793 वाहनों के चालान और 4899 वाहन सीज किए गए हैं, तो वहीं पर 1.06 करोड़ रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया है। उत्तराखंड में लॉकडाउन लागू होने के बाद 4857 व्हीकल पकड़े हैं, उनसे 1,04,00,000 का जुर्माना वसूला है, 1961 FIR दर्ज हुई और 8426। तबलीगी जमात प्रकरण से बचाव हेतु प्रदेश में लागू लॉकडाउन के उल्लंघन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। महानिदेशक अपर एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी के बाद कुल 1436 जमातियों में से अन्य राज्यों में उत्तराखंड आए 513 जमातियों को और उत्तराखंड के अन्य राज्यों में हुए 923 जमातियों को होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमित जमातियों के संपर्क में आने वाले 917 लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। जमातियों की बात करें तो कुल 1436 जमाती थे जो 1 जनवरी के बाद हमारे प्रदेश में आए,
इनमें से 513 बाहर के प्रदेशों के रहने वाले हैं जो लॉकडाउन के बाद यहीं रुके हैं, और 923 हमारे लोग हैं जो बाहर गए थे और 1 जनवरी के बाद उत्तराखंड वापस आए। तो इन 1436 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया, टेस्टिंग करा दी। कुछ एक की टेस्टिंग इनमें से हरिद्वार जनपद की बाकी है, ताकि सबके टेस्ट हो चुके। फिर जो है हमने जो लोग पॉजिटिव आए जमात वालों में से, उनके सभी संपर्क जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आए थे उनकी भी लिस्टें बनाई। तो ऐसे 917 लोग हैं। प्रदेश में लागू लॉकडाउन के उल्लंघन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही रमजान को लेकर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि रमजान के दौरान लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा और नमाज अपने अपने घरों में पढ़ी जाएगी। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो मैं कह रहा हूँ कि सब जगह यही कहा गया है कि कहीं भी माइक का प्रयोग नहीं होगा और नमाज जो है सामूहिक रूप से नहीं पढ़ी जाएगी, सब अपने अपने घरों में पढ़ेंगे। और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए सबसे अपील की है, इनके धर्मगुरुओं से भी बात की है हमने, और सभी जिला प्रशासन को, पुलिस को, सबको भी हमने अलर्ट कर दिया। सबकी मीटिंगें हो गई हैं या चल रही हैं आज की तारीख। और यहाँ तक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Literal Z School, Unnao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Literal Z School, Unnao. Hawaon mein baitha ho pehra, asar dekho kitna hai gehra, puche hai har koi dekho. Lok sangeet ko charam tak pahunchaya hai, wo hai Malini Awasthi ji. मिलकर इसे अब हराना है। अरे आया है क्यों तू निगोड़ा, अरे कैसा है तू रे करोना। क्या बात है, लोक संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आपने काम किया, ये प्रेरणा आपको बचपन से परिवार से आपने अच्छा समय घर में व्यतीत किया, अपनी सासू माँ के साथ मिलकर के मास्क बनाया। जी बिल्कुल, और इस समय देश की भी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के नागरिकों का की सुरक्षा है, उनका हित है, और ये तभी है जब हम सब लोग सरकार द्वारा जारी की गई हेल्थ गाइडलाइंस को बहुत निष्ठा के साथ पालन करें। इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है छाव दो। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में लॉकडाउन के चलते रामगढ़ के सोनीपत स्ट्रेट में ठहरे अभिनेता मनोज वाजपेयी का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। रामगढ़ के सतौली में मनोज वाजपेयी, उनका परिवार और अभिनेता दीपक डोबरिया लॉकडाउन से पहले शूटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्हें और उनके परिवार को यहां रुकना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अभिनेता सहित दीपक डोबरियाल का स्वास्थ्य परीक्षण किया। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने टीम का हौसला बढ़ाया और उन्हें धन्यवाद दिया। बहुत तरह से
से आया हूँ मैं, तो ऐसा कोई सिम्टम का कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जब पैंडेमिक हुआ उसके बहुत पहले हम लोग आ चुके थे छुट्टी के लिए। अब यहाँ अटक गए हैं, अच्छी जगह अटके हैं, हिमालय के सामने एकदम। जहां एक तरफ कोरोना के कहर से पूरी दुनिया सहमी हुई है, तो वहीं सरकार हर संभव मदद करने का आश्वासन दे रही है। ग्रामीण इलाकों में से लेकर शहर शहर कस्बे कस्बे तक सरकारी मशीनरी गरीब व बेसहारा मजदूर लोगों की मदद के लिए काम कर रही है। इसके लिए शासन स्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड का एक गाँव तमाम दावों और वादों से कोसों दूर है। ये रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, उत्तराखंड ये गांव जिसे हरिपुर टोंगिया के नाम से जाना जाता है, गांव देवभूमि उत्तराखंड के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड भगवानपुर में पड़ता है। इस गांव के हजारों परिवारों को ब्रिटिश काल से जहां भारत की पूर्ण नागरिकता का इंतजार है, तो वहीं अब लॉकडाउन में सरकारी सुविधाओं के लिए इनकी आंखें तरस रही है। सरकार गरीब लोगों तक राशन मुहैया कराने का दम भर रही है, लेकिन इन गाँव में राशन के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। मनमाफिक तौर तरीकों पर राशन का वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण बेहद दुखी हैं। ग्रामीणों की माने तो सरकार के आदेश इस गांव में आते आते दम तोड़ देते हैं। फिलहाल ग्रामीणों को संपूर्ण राशन नहीं मिल रहा, जिसको लेकर ये ग्रामीण अपनी बेबसी पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। पांच मेरा बच्चे, एक मेरा पति, और क्या नाम, अब तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। अपनो बता, जो अब तक जो सरकारी सुधारी हुआ मुझे मिल रहे, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? जब कहीं मजदूरी नहीं करने का तो बच्चे क्या खाएंगे? फिर तो भूखे मरेंगे इस तरह घर में। जो सरकार दे रही तो सबको देवा, यहाँ पर भी देवा, जो सब कुछ मिल रहा। हमें बहुत हो रही परेशानी, कोटा भी टाइम पर नहीं मिलता, सात जने एक परिवार में, फिर भी अच्छा कोटा नहीं मिलता। अब क्या कर खा लो, बच्चे भूखे है, अपना पूरा पाड़ो, बच्चों का पूरा पाड़ो। अब परिवार तो बढ़ता ही जाएगा ना, अब ये बताओ हम खाना कैसे खाएंगे? रुकजार करो, पुरानी सुविधा हमें मिला तो नहीं मिला। मेरा नाम है, 500 रुपए देता है संजू डीलर को, प्रधान तो हरि सिंह वैसे, मतलब 500 रुपए किस काम के दे? रंजर है वैसे तो प्रधान है इनका, बस पहला में 7 दड़ी दे रहा था, जब तो हमारा संजू जब तो हम 6 दड़ी दे राशन। फिर यहाँ तो दिक्कत बहुत हो रही इस काम में, मिला कितने यूनिट आपकी? 8। इस गांव में अभी भी राशन उसी पुराने ढर्रे पर बांटा जा रहा है। इस बाबत जब खाद्य आपूर्ति अधिकारी टीएन शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन राशन कार्ड का ही राशन उपलब्ध हुआ है। जो राशन दिया है कि जिनके कार्ड ऑनलाइन है, जितने आधार लगे हुए आधार बेस पे सरकार ने राशन दिया है, उन 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो उन्हीं को फिलहाल उन्हीं की व्यवस्था की जा रही है, जिनके आधार लगे हुए हैं, कार्ड बने हुए हैं, और जिनके कार्ड नहीं बने हुए उनकी भी हम व्यवस्था कराने जा रहे हैं। उनके हम फिक्र मंगा रहे हैं किस गांव में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने, उनको सरकार की ओर से जब भी हमें खाद्यान्न प्राप्त हो जाएगा खाद्यान्न उपलब्ध करा। कोरोना वायरस के संकट से जहां हर कोई परेशान है और शासन प्रशासन लोगों की हर संभव मदद और सहयोग में जुटा है, तो वहीं हरिपुर टोंगिया गांव में अधिकारियों की उदासीनता लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। रुड़की से के न्यूज के लिए तौसीफ अली की रिपोर्ट। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।